लव इज मैड, इफ नॉट मैड इट इज नॉट लव, अर्थात प्यार दीवाना होता है ये कहा जाता है, और अगर प्यार दीवाना ना हो, पागल ना हो, तो वो प्यार ही नहीं है। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और यूज में बहुत ज्यादा आता है। आप स्वयं देखिए मैंने क्या लिखा। मुझे आज मुस्तफा जी ने पूछा है, गुलाम मुस्तफा जी ने कुछ पूछा है निकला के बारे में, सेंटेंस के बारे में, उसकी अंग्रेजी होती है टर्न आउट। इन शब्दों का मैंने यूज किया है, माई फ्रेंड टर्न आउट टू बी माई एनिमी, मेरा दोस्त तो मेरा दुश्मन निकला। अब कोई दोस्त बनते हैं, ए फ्रेंड नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, अर्थात दोस्त असली वही है जो आपकी आवश्यकता पर आपका काम आए। माई फ्रेंड टर्न आउट टू बी माई एनिमी, अरे मेरा दोस्त तो मेरा दुश्मन निकला। ये पूछा मुस्तफा साहब ने, इसकी अंग्रेजी पूछी थी जो मैंने बना दी है। फ्रेंड माने दोस्त, टर्न आउट माने निकला, टर्न आउट माने निकला। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है टर्न की, टी यू आर एन टर्न है, और ईडी लगाने पर ये सेकेंड फॉर्म बन जाती है और थर्ड फॉर्म बन जाती है। टर्न आउट सेकेंड फॉर्म है, टर्न आउट थर्ड फॉर्म है। माई फ्रेंड टर्न आउट टू बी माई एनिमी, मेरा दोस्त ही मेरा दुश्मन निकला। अब देखें अगला सेंटेंस जो उन्होंने पूछा है, ये दो ही सेंटेंस पूछे हैं उन्होंने, मैं दो का जवाब दे रहा हूं। हिज ओन ब्रदर, उसका अपना भाई, हिज ओन ब्रदर, उसका अपना भाई, टर्न आउट निकला, टर्न आउट माने निकला, टू बी ए मर्डर, एक खूनी कातिल, यानी उसका अपना भाई ही उसका कातिल निकला। ये दो सेंटेंस उन्होंने पूछे हैं, इसका मैंने जवाब दे दिया है। अब मैं वो सेंटेंस बताऊंगा आपको निकला से, जिसकी सबकी हिंदी तो निकला है लेकिन अंग्रेजी के शब्द सबके अलग अलग है। जैसे दो, इसका तो दो सेंटेंस मैंने बना दिए टर्न आउट से, यूज ऑफ इमर्ज, यूज ऑफ एक्सट्रैक्ट, यूज ऑफ हैच, यूज ऑफ शूट आउट, यूज ऑफ पास्ट या पास, यूज ऑफ शर्क या स्लिप, इरप्ट, प्रोक्योर, रिमूव, प्रूव, टेक आउट, ये अलग अलग सेंटेंसेस में लगते हैं। सब में टर्न आउट नहीं लगेगा, अगर निकला अर्थ है तो सब में टर्न आउट नहीं लगेगा। ये देखिए, सूरज निकला, द सन इमर्ज फ्रॉम द क्लाउड्स, सूरज बादलों में से निकला। अब देखें जब सूरज बादलों में से निकलेगा तो उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, इमर्ज बनेगी, ई एम ई आर जी ई, इमर्ज निकला, इमर्ज्ड डी लग जाएगा इसमें, द सन इमर्ज फ्रॉम द क्लाउड, क्लाउड्स बादलों में से सूरज निकला। अगला है एक्सट्रैक्ट शब्द, एक्सट्रैक्ट शब्द है बीजों में से तेल निकालना, इसके लिए यूज किया जाएगा एक्सट्रैक्ट। हर चीज निकला जिसकी है वो कोई अंग्रेजी टर्नआउट नहीं बनेगी, सबकी अलग अलग बनेगी। तो अगर आपको होशियार बनना है, काबिल बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, तो आप इन शब्दों को जरूर पढ़ें। मेरे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको सबको ध्यानपूर्वक पढ़ना भी जरूरी है। एक्सट्रैक्ट निकलना, ऑयल इज, ऑयल माने तेल, ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स, बीज में से कुचल के उससे क्या बनाया जाता है, तेल, बीज में से तेल निकलता है, एक्सट्रैक्टेड निकलता है, ऑयल माने तेल, और इसके साथ प्रेपोजिशन चलेगी फ्रॉम, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सीड्स माने बीज, एस डबल ई डी एस, सीड्स माने बीज। अगला देखें, अंडों से बच्चे निकलना, अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उसकी अंग्रेजी क्या है, हैच है उसकी अंग्रेजी,
HATCH, हैच, अंडों से बच्चे निकलना, यंग वंस माने बच्चे, वर हैच्ड फ्रॉम द एग्स, अंडों में से बच्चे निकले, यंग वंस बच्चे वर हैच्ड निकले फ्रॉम द एग्स, अंडों में से। तो ये है। अब अगली अंग्रेजी क्या है, डालियों, डालियां निकली, जैसे पेड़ में से डालियां निकली, अंग्रेजी क्या बनेगी, शूट आउट, डालियां निकलना, इसकी अंग्रेजी अलग बनेगी, ब्रांचेस शॉर्ट आउट, इसकी सेकंड फॉर्म, ब्रांचेस शॉर्ट आउट फ्रॉम द ट्री, पेड़ में से शाखाएं निकली, फूट निकली पेड़ में से, ब्रांचेस शॉर्ट आउट फ्रॉम द ट्री, ट्री में से यानी पेड़ में से, ट्री माने पेड़, शॉर्ट आउट ब्रांचेस माने शाखाएं निकली, ब्रांचेस शॉर्ट आउट फ्रॉम द ट्री, इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी। पास्ट, अब देखें, दो महीने निकल गए, तीन दिन निकल गए, चार दिन निकल गए, इस प्रकार से बोला जाता है। टू मंथ्स पास्ड, निकलने की अंग्रेजी फिर आ गई, क्या, पास, टू मंथ्स पास्ड, दो महीने निकल गए, दो महीने निकल गए, इस प्रकार की अंग्रेजी बनेगी। टू मंथ्स पास्ड, टू माने दो, मंथ्स माने महीने, पास्ड माने निकल गए, इस तरीके से पास शब्द भी अर्थ है निकल गए, पास्ट। अब देखें, निकलना, आंख बचाकर निकलना, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, लड़के का हाथ से निकल जाना, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, अवसर निकल जाना, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, देखें, शर्क, पहले की अंग्रेजी बनेगी शर्क, निकलना, आंख बचाकर निकलना, शर्क, SHIRK, शर्क, शर्क की जो हिंदी होती है वो आंख बचाकर निकलना, और शर्कर माने कामचोर, SHIRKER, शर्कर माने कामचोर, आंख बचाकर निकल जाना, शर्क द वर्क, शर्क द वर्क, काम से जी चुराना, शर्क, SHIRK, काम से जी चुराना, शर्क द वर्क, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी। निकलना, आग बचाकर निकलना, द स्टूडेंट्स स्लिप्ड अवे स्टेल्डीली, या शर्क्ड अवे स्टेल्डीली, द स्टूडेंट्स स्लिप्ड अवे स्टेल्डीली माने चुपके से, स्लिप्ड द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, स्लिप्ड अवे स्टेल्डीली, आंख बचाकर निकल गए, निकली जाते हैं स्टूडेंट्स, टीचर की आंख बची, स्टूडेंट्स बाहर। अच्छा, लड़का निकल गया है हाथ से, द बॉय हैज स्लिप्ड फ्रॉम द हैंड्स, द बॉय हैज स्लिप्ड फ्रॉम द हैंड्स, और अवसर निकल गया है, द अकेजन द चांस हैज स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, मेरे हाथ से अवसर निकल गया है। तो इसकी अंग्रेजी भी ये बनेगी, आंख बचाकर निकलने की, लड़का और अवसर, इसकी अंग्रेजी बनेगी जिस तरीके से अभी मैंने बताई, इनमें शर्क या स्लिप शब्द लगेगा। इरप्ट, इरप्ट का अर्थ है निकलना, क्या निकलना, चेचक वगैरह जो निकल आती है ना उसको कहते हैं इरप्ट, त्वचा से कोई फुंसी वगैरह निकलती है उसको चेचक, तो इसके निकलने को इरप्ट कहते हैं, ERUPT, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इरप्टेड, चेचक निकली, स्मॉल पॉक्स इरप्टेड, चेचक निकली। प्रोक्योर, प्रोक्योर माने चोरी का माल पकड़ना, जब्त होना, निकलना, स्टोलन गुड्स, चुराया हुआ माल, स्टोलन गुड्स, स्टील स्टोल स्टोलन, तीन फॉर्म होती है, स्टील माने चुराना, STEAL, स्टील माने चुराना, स्टोलन चुराया हुआ गुड्स माल, वर प्रोक्योर, मिल गया, प्राप्त कर लिया गया, चोरी का माल पकड़ लिया गया, मिल गया, निकल गया, यानी चोरी का माल निकल गया। रिमूव माने निकलना, गंदगी का निकलना, ए लॉट ऑफ रबिश वॉज रिमूव फ्रॉम द हाउस,
ए लॉट ऑफ रबिश माने बहुत सारे गंदगी कूड़ा। ए लॉट ऑफ रबिश वाज रिमूव फ्रॉम द हाउस, घर में से बहुत सारी गंदगी निकाल दी गई। तो निकली गंदगी का निकलना, रबिश माने कूड़ा करकट गंदगी। प्रूव निकलना, सच्चा निकलना। शी प्रूव्ड टू बी ट्रूथफुल, वह सच्ची निकली। शी प्रूव, ये देखिए अलग अलग हर एक के साथ अलग अलग शब्द आ रहा है। अगर सच्चा निकलना है किसी का तो ये शब्द आएगा, शी प्रूव्ड टू बी ट्रूथफुल, वह सच्ची निकली। अगला शब्द है जुलूस का निकलना। जुलूस के निकलने की अंग्रेजी अलग आई। टेक आउट निकलना, जुलूस। जुलूस की अंग्रेजी है प्रोसेशन, प्रोसेशन। ए प्रोसेशन वाज टेकन आउट, एक जुलूस निकाला गया। ए प्रोसेशन वाज टेकन आउट, जुलूस निकाला गया। टेक आउट शब्द जुलूस के लिए, सच्चा निकलने के लिए प्रूव, प्रोक्योर माल पकड़ने के लिए चोरी का, प्रोक्योर चोरी का माल पकड़ने के लिए, रिमूव गंदगी निकालने के लिए है। सबका अर्थ ध्यान से देखें, निकलना ही है। तो यदि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।